हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो जो सरकारी मकान मिलते हैं वो किस बेसिस पर आपको मिलते हैं, यानी कि किस पोस्ट पर किस तरह का मकान मिलता है और सरकारी जो क्वार्टर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सरकारी क्वार्टर होते हैं, यानी कि जितने भी सरकारी घर होते हैं, बंगलो होते हैं या फ्लैट होते हैं, वो टोटल 8 टाइप के होते हैं, जिनको बोला जाता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8। तो जो टाइप 1 है वो सबसे छोटे वाले जो मकान होते हैं वो होते हैं, और जो टाइप 8 है वो सबसे बड़े वाले जो बंगलो होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो जो इनका डिवीज़न है, यानी कि टाइप 1 किसको मिलेगा, टाइप 2 किसको मिलेगा, ये होता है ग्रेड पे के बेसिस पे, यानी कि जो आपकी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी, और उसके बाद जब आपकी प्रमोशन होती जाती है तो उस टाइम पर आपकी जो ग्रेड पे है वो कितनी है, उसके हिसाब से आपको सरकारी मकान मिलता है। तो टाइप 1 जो मकान होते हैं वो है जिनकी ग्रेड पे 1300 से 1800 के बीच में होती है, यानी कि जो ग्रुप डी एम्प्लॉई होते हैं उन्हें टाइप 1 मकान मिलता है, और टाइप 2 मकान मिलता है जिनकी ग्रेड पे 1900 से 2800 के बीच में होती है, यानी कि बेसिकली ग्रुप सी जो एम्प्लॉई होते हैं उन्हें मिलते हैं टाइप 2 के मकान। इसके बाद जो टाइप 3 वाले होते हैं वो मिलते हैं 4200 और 4800 के बीच में, जिनकी ग्रेड पे होती है, यानी कि 4200 अगर है ग्रेड पे या 4800 अगर है ग्रेड पे तो उन्हें मिलते हैं टाइप 3 के मकान। टाइप 4 के जो मकान होते हैं वो मिलते हैं जिनकी ग्रेड पे 5400 या उससे ज़्यादा होती है, यानी कि ग्रुप ए के जो एम्प्लॉई होते हैं उनको टाइप 4 का मकान मिलता है। इसके बाद जो ग्रुप ए के एम्प्लॉई होते हैं उनकी जैसे जैसे प्रमोशन होती जाती है तो उनकी ग्रेड पे बढ़ती जाती है, तो जब उनकी ग्रेड पे 7600 या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पर उन्हें टाइप 5 का जो मकान है वो मिलता है, और जब उनकी ग्रेड पे 10000 या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें टाइप 6 का मकान मिलता है। इसके बाद जब वो फिक्स्ड पे स्केल में आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी ग्रेड पे 75000 हो जाती है तो उन्हें टाइप 7 का मकान मिलता है, और 80000 जब उनकी ग्रेड पे होती है तो उन्हें टाइप 8 वाला बंगलो मिलता है। तो ये जो मैंने बताई ग्रेड पे वो 6th पे कमीशन के हिसाब से है, अभी 7th पे कमीशन में जो ग्रेड पे है वो इसी के इक्वलेंट आप देख सकते हैं। तो जो टाइप 1 का मकान है उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो उसका जो टोटल एरिया होता है वो होता है 40 मीटर स्क्वायर, और उसमें एक बेडरूम और एक लिविंग रूम और एक किचन और एक उसमें टॉयलेट होना ज़रूरी है, यानी कि बेसिकली वो एक 1 BHK होता है, एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन और एक टॉयलेट। उसके बाद जो टाइप 2 का मकान है उसका टोटल एरिया होता है 54 मीटर स्क्वायर, और ये भी 1 BHK होता है, लेकिन यहाँ पर जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि रूम का जो साइज़ होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। इसके बाद जो टाइप 3 के मकान होते हैं उनका टोटल एरिया होता है 63 मीटर स्क्वायर, और ये 2 BHK होते हैं, यानी कि इसमें 2 बेडरूम होंगे, एक हॉल, एक किचन और एक टॉयलेट। इसके बाद जो टाइप 4 के मकान होते हैं उनका टोटल एरिया होता है 86 मीटर स्क्वायर मिनिमम, और ये 3 BHK हो जाते हैं, यानी कि इसमें 3 बेडरूम होंगे, एक हॉल होगा और किचन और इसमें टॉयलेट होगा। इसके बाद जो टाइप 5 के मकान है उनका टोटल एरिया हो जाता है 145 मीटर स्क्वायर, और ये भी 3 BHK है, लेकिन इसमें 3 BHK में आपको जो नंबर ऑफ़ टॉयलेट है वो 1 से बढ़कर 2 हो जाती हैं, तो इसमें 2 टॉयलेट होंगी, बाकी 3 बेडरूम, एक हॉल, किचन और बालकनी। इसके बाद जो टाइप 6 होता है वो एक तरह से बंगलो होते हैं, और उनका टोटल एरिया होता है 203 मीटर स्क्वायर, और ये 4 BHK होते हैं, यानी कि इसमें 4 बेडरूम होंगे, हॉल होगा, किचन होगा और इसमें टॉयलेट होगा, और इसमें नंबर ऑफ़ जो टॉयलेट है वो बढ़ के हो जाते हैं 3, तो ये 4 BHK है जिनमें 3 रूम में टॉयलेट होगा अटैच्ड। इसके बाद जो टाइप 7 और टाइप 8 हैं उनका एरिया होता है 300 मीटर स्क्वायर और 400 मीटर स्क्वायर, तो ये बहुत बड़े बंगलो होते हैं, और ये बेसिकली होते तो 4 BHK हैं, यानी कि 4 बेडरूम, एक हॉल, किचन, इसके अलावा जो हर रूम है उसमें अटैच्ड इसमें टॉयलेट होता है, यानी कि 4 इसमें टॉयलेट होंगे, इसके साथ ही साथ इसमें एक ऑफिस और एक ड्राइंग रूम भी होता है, तो ये इसमें एक्स्ट्रा आते हैं जो टाइप 7 और टाइप 8 हैं, और टाइप 7 और टाइप 8 में एरिया का अंतर है, यानी कि टाइप 7 का जो टोटल एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर है और टाइप 8 का जो टोटल एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो ये 8 टाइप के गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको दिए जाते हैं, और ये उनकी ग्रेड पे के हिसाब से उनको दिए जाते हैं। तो ये जो डिवीज़न है वो लगभग सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेम तरह से इसी डिवीज़न को फॉलो किया जाता है, और इसी तरह के जितने भी उनके क्वार्टर हैं उनको इसी बेसिस पर दिए जाते हैं। तो ये तो थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले गवर्नमेंट क्वार्टर से रिलेटेड जानकारी। थैंक यू।